अगला विश्व कप 2019 में खेला जाना है, लेकिन इसके लिए टीम का चयन अगले 5 महीने में यानी दिसंबर तक हो जाएगा। ऐसा कहना है टीम इंडिया के मुख्य चयनकर्ता एमएसके प्रसाद का। एमएसके प्रसाद का मानना है कि 2019 में होने वाले वर्ल्ड कप के लिए भारतीय टीम का स्वरूप अगले 5 महीने में साफ हो जाएगा और खिलाड़ियों के नाम भी करीब करीब तय हो जाएंगे और वही खिलाड़ी 2019 में खेलेंगे। उन्होंने कहा, हमने कुछ खिलाड़ियों की पहचान की है जिन्हें अगले 4-5 महीनों में रोटेशन नीति के तहत मौका दिया जाएगा। टेस्ट सीरीज में श्रीलंका का 3-0 से सूपड़ा साफ करने के बाद एमएसके प्रसाद ने कहा, हम अपने मुख्य खिलाड़ियों के लिए रोटेशन और आराम देने की नीति पर काम कर रहे हैं ताकि कुछ महीने में युवाओं के प्रदर्शन का आकलन कर सकें और इस साल के अंत तक टीम का स्वरूप तय कर सकें। प्रसाद ने कहा, श्रीलंका के खिलाफ वनडे सीरीज में हम ओपनर बल्लेबाज केएल राहुल को 4th नंबर पर बल्लेबाजी कराएंगे। वो ऐसे खिलाड़ी हैं जिसे बाहर बैठाना मुश्किल है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि वर्ल्ड कप की टीम में जगह बनाने की दौड़ में पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी के साथ युवराज सिंह और सुरेश रैना भी बने हुए हैं। अब देखना होगा कि 5 महीने बाद कौन सी टीम खेलती है और किन किन खिलाड़ियों को वर्ल्ड कप के लिए जगह मिलती है। फ्लेम मीडिया रिपोर्ट।